तो क्या चाल है दोस्तों, आ गए एक और निक कमाल के पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले कि मतलब कॉन्करर आप पुश करते हो तो उसका सही टाइम क्या है, क्योंकि टाइम भी बहुत मायने रखता है आपके प्लस पॉइंट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक आपका पॉइंट प्लस ज़्यादा नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो और दिन रात लगे रहोगे। तो ये बात मैं पहले एक क्लियर कर दूं कि आपने बड़े बड़े यूट्यूबरों का मतलब वीडियो देखा होगा, उन्होंने बोले होंगे कि आप चल आप क्या कर लो, रात में रैंक पुश कर लो, वीक लो भी मिलती है। तो वीक लो भी मिलती है, मानता हूँ मैं भी, लेकिन भैया जितना भी वीक लो भी मिलेगा ना, लिख के ले लो, उतना ही आपका कम प्लस होगा। तो पहले हम बात कर लेते कि मतलब आप रात में पुश करते हो तो आप खेलते कैसा हो, ये भी आपका मायने रखता है। क्योंकि आप अगर अच्छा खेलते हो तब आप रात में पुश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसमें किल निकाल लोगे। इतना तो होता ही है कि कोई अच्छा खेले तो आराम से किल निकाल ही लेता है, 7-8 किल तो उसका आराम से प्लस हो जाता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैसे ले, क्योंकि टाइम हम बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको प्लस दिलाने के लिए। तो आप अगर एवरेज मतलब अच्छा खेल लेते हो या तो वो तो सही है कि आप रात में भी खेल सकते हो, लेकिन हम मैं उस भाइयों के लिए मतलब ये वीडियो लाया हूँ कि जो बस उनका सपना है कि कॉन्करर जाना है, तो वो मतलब नॉर्मली खेल लेते हैं, किलो ज़्यादा नहीं निकाल पाते। तो ये वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, और वीडियो को थोड़ा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम पहले बात कर लेंगे कि जो अच्छा खेलता है, क्योंकि देखो उसके लिए जो अच्छा खेलता है उसको उसको बताने के लिए कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो अच्छा खेलता है तो देखो वो इजीली रात में भी पुश कर सकता है, दिन में भी पुश कर सकता है। तो रात में क्यों पुश नहीं कर सकते और क्यों कर सकते, तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो रात में बहुत यूट्यूबरों की वीडियो आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि रात में पुश करो, वीक लो भी आती है। तो जितना वीक लो भी आएगा ना, उतने आपका प्लस कम होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जैसे कि पहले वाले वीडियो में आप जान ही गए होगे कि मैं मतलब पिछले सीजन कॉन्करर पुश कर रहा था, मेरे को 200 पॉइंट चाहिए थे कॉन्करर के लिए। तो 2-3 मैच मेरा रैंडम लग गया था हैकर के साथ, तो उस वजह से मेरा आईडी 7 दिन के लिए बैन हो गया था। तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब आप अपने टायर को बूस्ट करने के लिए हैकर के साथ टीम अप किए हो, तो ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन आईडी बैन हो गया। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, और मैं इस सीज़न कर भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खुद ही ब्रॉन्ज पे था, तो इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता कि मैं एकदम दिन रात लगे रहूं। तो इस सीज़न में ट्राई करूंगा कि कुछ डायमंड या क्राउन तक पहुंच जाऊं, कि अगले सीज़न आप लोग के साथ मैं कॉन्करर पुश करूं और मैं खुद भी जाऊं और आप लोग को भी लेते जाऊं, उसका टिप मैं देती रहूं आपको। तो देखो जो अब बात कर मतलब अब इन सब बातों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बात करते हम क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अच्छा खेलता है वो रात में कर सकता है पुश। क्योंकि देखो वो आराम से किल निकाल लेगा, 6-7-8 किल तो उसका प्लस हो जाएगा। और लेकिन जो बंदे मतलब रैंक पुश करके जाना चाहते हैं तो वो किल नहीं निकाल पाते। तो मैं बता दूँ, अगर आप पुश भी करके देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आपको पता होगा कि रात में देखो प्लस कैसे होता है, 3-4 अगर आप टॉप 2 टॉप 3 में आओगे, 2 किल करके भी आओगे ना टॉप 3 टॉप 4 में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 प्लस होगा। तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप 30-35 मिनट दोगे गेम में और 4-8 प्लस होगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर उसमें, तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो कुछ सीन मेरा भी ऐसा ही था। तो अब देखो रात में मैं मना क्यों कर रहा हूँ जो खाली रैंक पुश करके जाना चाहते हैं कॉन्करर, क्योंकि देखो मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप मतलब रात में सो लो अच्छे से, अगर आप की मर्ज़ी है कि पुश कर सकते हो तो करो, लेकिन मैं अपने साइड से बता रहा हूँ कि आप रात में ना ही पुश करो तो बढ़िया है, आपका टाइम भी बच जाएगा। और आप अब बताता हूँ कि आप कब पुश करोगे। आप तुम लोग बोल रहे हो कि बकचोदी कर रहा है, तो बकचोदी की बात नहीं है भाई, मैं जो बता रहा हूँ रियल है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस को बताता है। तो आप दिन में मतलब मॉर्निंग में करो 11 से 3 बजे के बीच में। अब मैं बता दूँ इसका रीज़न, क्योंकि देखो मैं रात में पुश करता था, मेरे प्लस नहीं होते थे, मैं भी डिमोटिवेट हो गया था। तो मैं खेल रहा कुछ दिन से, 2-3 दिन से खेलने लगा दिन में, तो 11 से 3 बजे के बीच में ना काफ़ी अच्छी लॉबी आती है। तो अच्छी लॉबी आने का मतलब ये होता है कि आप अगर बोर्ड का भी 1-2 किल निकाल लेते हो और आप टॉप 2 टॉप 3 अगर सर्वाइव कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा किल हो जाएगा, 2-3 किल पे भी आपका 14 से 15 प्लस हो जाएगा। अगर आप 6-7 किल निकाल लिए, तो मैं आप बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था।
मैंने 7 किल निकाला था, क्राउन 1 पे था उस टाइम में, और डुओ में पुश कर रहा था, तो मैंने 7 किल करके चिकन निकाला था, तो मेरा 42+ हुआ था, जो कि एक नामुमकिन सा सीन है, मतलब डुओ में वो भी क्राउन 1 पे 42 पॉइंट एक मैच में प्लस करना, तो वो हो गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब नॉर्मली रैंक पुश करके जाना चाहते हैं कॉन्करर, तो आप 11 बजे से लेके 3 बजे तक खेलो, और उसमें ये नहीं ज़रूरी कि आपको एकदम नई बढ़िया लॉबी आएगा तो आएगा, उसमें भी एक आध लॉबी वीक आ जाती है, तो उसमें कोई आप टेंशन नहीं लो, लेकिन उसमें ज़्यादा चांस होता है कि आपको अच्छी लॉबी मिले, और आपको सर्वाइव करना पड़ता है ताकि आपका प्लस हो जाए 14 15 16। अगर आप किल नहीं करते तो, अगर किल करते हो तो और ज़्यादा प्लस होगा, 22 25 ऐसे प्लस हो जाता है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, रिलैक्स होकर खेलो, और यही सब है। तो मैंने मतलब कई यूट्यूबरों को पहले मैं भी देखा था, क्योंकि मैं भी रैंक पुश करता था, मैं भी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देखता था, तो उन्होंने वो सब बोलते थे कि भाई रात में खेलो, रात में वीक लॉबी, तो भाई टट्टी लॉबी आती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपका 30 35 मिनट दे के भी आपका 3 4+ होता है। हाँ, अगर चिकन निकाल लिए 2 3 किल करके, तब भी आपका 10 से 12 15 से ज़्यादा प्लस नहीं होगा इतना मेहनत के बाद भी। तो मेरी बात मानो तो आप दिन में करो, दिन में देखो, क्योंकि अब लॉबी भी बता देता हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो कि अच्छी लॉबी है। तो लॉबी में देखो अच्छे अच्छे टाइटल वाले बंदे आते हैं, और लॉबी थोड़ा भरा सा लगे तो आप समझ जाओ कि लॉबी अच्छी है, और कोई कोई वीक लॉबी आती है तो आप समझ लो एग्जिट भी कर सकते हो उसमें से, और एग्जिट करने के बाद आप दूसरा मैच लगा लो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जिस लॉबी में मतलब आपको देखिए, हाँ बहुत ज़्यादा कम बंदे हैं, 25 30 बंदे 35 बंदे, मतलब वो लॉबी एक नंबर का ख़त्म लॉबी होता है, उसमें आपका कुछ होने लेना देना नहीं है, बोट लॉबी आती है वो, और जो भी बंदे होते हैं 20 25 वो रियल होते हैं, जो जो मतलब समझ जाओ जो होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद आपको मैच मतलब आपको कैसा लॉबी लगा है तो वो भी आपको पहचानना आना चाहिए, अच्छे अच्छे टाइटल, मतलब कॉन्करर लॉबी आ गई तो मतलब कोई कॉन्करर का बंदा आ गया तो समझ लो कि उसमें आपको जैसे तैसे सर्वाइव करना और प्लस लेना है। तो इस तरह से मतलब यही सब टिप है कुछ, और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और थोड़ा यूजफुल लगाओ तो शेयर कर देना ज़रूर, और जो सारी बातें बोला हो कि अगर आपको लगता होगा फेक है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन जो था एक अपने एक्सपीरियंस से बोला हूँ। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक